बहुत स्वागत है कि एक ऐसे कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अग्निगर्भा। अग्निगर्भा कार्यक्रम जयपुर जिला की महिला विंग आम आदमी पार्टी की शुरू करने जा रही है। ये कार्यक्रम कोई आम कार्यक्रम नहीं है। आज राजस्थान में और देश में बड़े अपराध जो कि आप मीडिया बंधुओं से छुपे हुए नहीं है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही हम तक ये खबरें हम तक पहुंच रही है। तो इसी विषय पे राजस्थान की महिलाएं, मैं भी एक महिला हूँ, महिलाएं डरी हुई हैं, बालिकाएं डरी हुई है, घर से निकलते हुए खौफ आता है। आज देखते हैं आंकड़े जब देख रहे हैं तो उनमें बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि उन पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि काम तो होता है, लेकिन जो अपराधियों में जो भय व्याप्त होना चाहिए वो भय व्याप्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमने सेल्फ डिफेंस का आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि नाम है उसका अग्निगर्भा। अग्निगर्भा नाम हमने क्यों रखा? एक महिला होती है, गर्भ में एक बच्चा धारण करती है और वो अग्नि के समान होती है, लेकिन वही महिला जब सड़क पे गुजरती है तो उसके अंदर एक भय व्याप्त होता है। ये जानवर टाइप की नॉलेज वाले लोग जो हैं जीने नहीं दे रहे हैं महिलाओं को। तो आत्मरक्षा महिलाएं खुद अपनी कर सके, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है मीडिया बंधुओं को कि आज ये कार्यक्रम जो हम करना चाह रहे हैं ये आप हर लेवल तक इसको पहुंचाएं, ताकि राजस्थान की बच्चियां बेटियां हमसे जुड़ सके। निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 4 सितंबर को सबसे पहला प्रशिक्षण हम दे रहे हैं प्रताप नगर में, नारायणा हृदयालय के पास में जो कच्ची बस्ती है, वहाँ पर कच्ची बस्ती की महिलाओं से हम शुरुआत करना चाह रहे हैं। कच्ची बस्ती की महिलाओं से इसलिए शुरुआत करना चाह रहे हैं कि आज पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं उनको पता होता है कि अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की नॉलेज दे सकें, उनको बता सकें और उनको नॉलेज दे सकें। लेकिन अभी जो कच्ची बस्ती की जो महिलाएं हैं, जो कचरा बींधने वाली जो महिलाएं हैं, वो खुद भी असुरक्षित हैं, उनकी बच्चियां असुरक्षित हैं, आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है।